हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर, अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर अमरे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर, अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर अमरे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर, अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको
चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप
प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मे, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मे, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मे, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे।
सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए
48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर अमरे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर अमरे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे।
सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप
प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पटनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे।
सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मे, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने हम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर अमरे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबरेज फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने हम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर अमरे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए
48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबालब फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबालब फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर फिल्म योद्धा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन फैन के लिए एक ट्विस्ट है। इस फिल्म को वह फ्री में नहीं देख पाएंगे, यह फिल्म किराए पर मौजूद है। तो अगर आप सिद्धार्थ और राशि खन्ना और दिशा पटनी अभिनीत फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इस फिल्म के लिए 349 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एक बार जब आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देखने के लिए 349 रुपए रकम चुका देंगे तो आपको 30 दिनों तक इसकी सुविधा मिलेगी। हालांकि एक बार जब आप प्ले बटन दबाते हैं तो आपके पास फिल्म देखने के लिए 48 घंटे होते हैं। सिद्धार्थ की देशभक्ति से लबालब फिल्म योद्धा की रिलीज का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि सिनेमा घर में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से खास रिस्पांस नहीं मिला। योद्धा सिनेमा घर में 15 मार्च को रिलीज हुई थी। प्लेन हाईजैक पर बेस इस फिल्म में खूब एक्शन और ड्रामा है। योद्धा में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा दिशा पद्मनी, राशि खन्ना और रोनित रॉय ने अहम रोल प्ले किया है। पुष्कर ओझा और सागर आम्रे द्वारा संयुक्त रूप से निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक पर बेस्ड है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के वीडियो में योद्धा ओटीटी पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानकारी दूंगी आज के वीडियो में। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्शन थ्रिलर योद्धा 15 मार्च 2024 को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। योद्धा को सिनेमा घर में रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसके बाद से ही सिद्धार्थ के फैन फिल्म के ओटीटी रिलीज पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे। खैर अब फैन के लिए गुड न्यूज है, फिल्म आखिरकार रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे।